आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा साबित हो सकता है और ये पर्टिकुलर शेयर मल्टीबैगर रिटर्न देने में आपको सक्षम दिला सकता है। तो जो स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी का कामकाज की बात करें तो कंपनी पॉलिस्टर चिप्स, नैनो फैब्रिक, सिंथेटिक यर्न के साथ साथ ओसियन इवन चाबी यर्न जैसे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी का 89% जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से ही आता है और 11% कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू आता है और कंपनी का 45 से भी ज्यादा कंट्रीज में कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज है वो गुजरात के साथ साथ दादर के अंदर भी है जहाँ पे कैपेसिटी आप देखेंगे वो है 3.8 लाख टन पर एनम जो बहुत बड़ा माना जाता है और कंपनी अपना बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे वो है 3000 करोड़ के आसपास और कंपनी का पीई है करीब 10 के आसपास जो बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव माना जाता है। अगर आप कंपनी को वैल्यूएशन को माने तो कंपनी का पिछले 5 साल का जो मीडियम पीई है वो है 12.5 के आसपास। उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का रिसेंट पीई 10 के आसपास दिखाई दे रहा है जो फेयर वैल्यूएशन आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं और टेक्सटाइल एनालिस्ट के अनुसार यहाँ पे 2022 में ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा करने वाला है। इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे कि FIIs ने यहाँ पे लगातार टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। इसका पीछे का मेन कुछ रीजन है जिसका कारण ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पहला जो कारण है यह है गवर्नमेंट इंसेंटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और टैक्सेस के यहाँ पे थोड़ा सा छूट दिखाई दे रहे हैं जिसके चलते टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अभी बूम आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी 400 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते हुए विद इन 10 ईयर्स यहाँ पे उसका जो सेल है वो 5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये कंपनी के लिए और उसी के साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 10 गुना हो चुका है। तो ये बहुत सारा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर। ये कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका जो मार्जिन आप देख पा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे आने वाले सालों में कंपनी का मार्जिन 17% रह सकता है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहे हैं रिसेंट कंडीशन में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी जो अपना कर्जा है वो लगातार कम कर रहे हैं। कंपनी आगे आने वाले जो क्वार्टर आएगा वो अच्छा खासा क्वार्टर देने में सक्षम रह सकता है ऐसे मैनेजमेंट का कहना है और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सेल ग्रोथ के मामले में कंपनी थोड़ा सा पीछे रह जाता है लेकिन जितना भी सेल ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है कंपनी वो भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। कंपनी के अंदर सारे कुछ अच्छा है लेकिन एक बात आपको अवॉइड करना नहीं चाहिए वो है कंपनी के ऊपर कर्जा। तो एक ही रेड फ्लैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर भी अच्छा बात यह है कि कंपनी अपने कर्जे को धीरे धीरे कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही कंपनी अपने कर्जे को कम करता रहेगा तो कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देगा आगे आने वाले समय में। डेट टू इक्विटी कंपनी का रेशियो की आप बात करें तो कंपनी का वो है 0.51। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी का प्रोमोटर्स के पास कंपनी का 65.18% का होल्ड यहाँ पे बरकरार है जो पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी ने प्रोमोटर्स ने यहाँ पे अपना होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के अंदर। DIS के होल्डिंग 4.40% एंड पब्लिक का 30.42% का हिस्सेदारी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो अपना रिसर्च डिटेल्स में कीजिए। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये पर्टिकुलर कंपनी ने अपने कर्जे को कम कर लेता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर तो ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।